मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। तंजानिया के सत्तारूढ़ चामाचा मापिंडुजी पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर भारत देश में 7 दिनों के दौरे पर है। 25 जनवरी से 31 जनवरी तक भारत के अलग अलग राज्यों में यह प्रतिनिधि मंडल दौरा कर रहा है। रविवार को इस डेलीगेशन ने भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से उनके बंगले पर मुलाकात की। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सीएम हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की। सीएम के साथ स्मार्ट पार्क में तंजानिया के एक डेलीगेशन ने पौधारोपण भी किया। इंदौर में 25 जनवरी को पठान मूवी का विरोध कर रहे हिंदू संगठन के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट परिसर से एक महिला अधिवक्ता की ड्रेस में पहुंची युवती को गिरफ्तार किया है। वह भोपाल से आई वकील के कहने पर कोर्ट रूम और प्रोसीडिंग के दस्तावेजों की वीडियो फोटो बना रही थी। पुलिस के सामने युवती ने माना कि वह ये वीडियो प्रतिबंधित संगठन PFI के लिए जुटा रही थी। ऐसा करने के लिए उसे महिला वकील ने ही कहा था। इंदौर में पूर्व पार्षद अनवर दस्तक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आरोप है कि दुष्कर्म पीड़िता को बयान देने और केस वापस लेने को लेकर डरा धमका कर अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने एक और प्रकरण अनवर दस्तक और उसके अन्य साथियों के खिलाफ दर्ज किया है। पूर्व पार्षद के अनवर दस्तक पर लगभग 17 से अधिक अपराध दर्ज है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब लाडली बहना योजना आएगी, जिसमें प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। नर्मदा जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम और बधुनी में ये बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नर्मदा जयंती पर नर्मदा तट के पावन स्थल पर बताते हुए प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब लाडली बहना योजना शुरू होगी, जिसमें निम्न मध्यम आय वर्ग की सभी जाति पंथ वर्ग की मेरी बहनों को 1,000 रुपए माह यानी हर साल 12,000 दिए जाएंगे। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती चुनावी साल में शराब के मुद्दे पर शिवराज सरकार को लगातार घेर रही है। उन्होंने प्रदेश की नई शराब नीति जारी होने तक के लिए घर छोड़ मंदिर में डेरा डाल लिया है। उमा भारती अब 31 जनवरी तक भोपाल के अयोध्या नगर स्थित हनुमान और दुर्गा मंदिर में ही रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।